ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कपूर और दो लौंग के उपाय के बारे में। आप सबको भी मंगलवार के दिन एक कपूर और दो लौंग का यह अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर समझकर विधि पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से आपको ये अद्भुत उपाय करना है। लेकिन इससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार नहीं आए, चैनल को घंटे आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले। जीवन में जब भी परेशानियां बढ़ जाती है, जब आपको ऐसा लगे कि चारों तरफ से अंधेरा छा गया है, आप एक ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं जहां से आपको रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तो आपको विपदा के समय संकट मोचन का सहारा लेना चाहिए, यानी कि आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। कैसी भी पीड़ा हो, कैसी भी परेशानी हो, मंगलवार के दिन आपको एक कपूर और दो लौंग का यह अचूक उपाय करना है। जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। हिंदू धर्म में हम जब भी पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें कपूर का उपयोग अवश्य होता है। मान्यता के अनुसार कपूर अगर घर में नियमित रूप से जलाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आपको करना यह है कि मंगलवार की रात में सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय करना है। शाम 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है और एक मिट्टी का दीपक भी ले लेना है। कपूर के टुकड़े को मिट्टी के दिए के अंदर रख देना है और साथ ही लेना है आपको दो लौंग। आपको हाथ में दोनों लौंग को रख लेना है और आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं, वह दोनों लौंग में बोल देनी है मुट्ठी बंद करके। अब आपको क्या करना है, ये दोनों लौंग आपको कपूर के ऊपर रख देनी है और उसके बाद आपको कपूर को जला देना है। ये जो जलता हुआ कपूर और दो लौंग है, ये आपको आपके पूरे घर में दिखाना है ताकि आपके जीवन से, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जो है वह समाप्त हो जाएगी। जो मुश्किल है, परेशानी है, वह सब दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में चांदी की कटोरी है तो आपको कपूर और लौंग चांदी की कटोरी में ही जलाना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप मिट्टी के दीपक में भी जला सकते हैं। जीवन में धन संबंधी परेशानियां दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए और सुख शांति को प्राप्त करने के लिए, दुर्भाग्य को दूर कराने के लिए या फिर रूठा हुआ वापस लाने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप एक उपाय और कर सकते हैं, कपूर को घी में डुबोकर आपको जला देना है। इसके बाद आपको कपूर को पूरे घर में दिखा देना है। घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर जो भी क्लेश हैं, वह सब दूर हो जाएंगे। आशा करता हूं दर्शकों, आपको ये उपाय अच्छे से समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो चैनल को घंटे आइकन के साथ में जरूर सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।